अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आपके कहने पर बहुत ही ज़बरदस्त सफ़ूफ़ लेकर मौजूद हुआ हूँ। दोस्तों, स्क्रीन पर आप ये सफ़ूफ़ जो देख रहे हैं बहुत ही पावरफुल सफ़ूफ़ है। ये मान के चलिए कि अब तक के मेरे जितने भी नुस्खे हैं उनसे सबसे ज़्यादा पावरफुल ये सफ़ूफ़ है, क्योंकि आपको मैं बताऊँगा कि हर सफ़ूफ़ अलग चम्मच लिया जाता है, यानी कि कम से कम 6 से 7 ग्राम, 5 ग्राम तक, लेकिन ये सफ़ूफ़ केवल 3 ग्राम चलता है। ये सफ़ूफ़ केवल 3 ग्राम ही चलेगा, क्योंकि ये बहुत ही पावरफुल सफ़ूफ़ है। इसके अंदर जितनी भी जड़ी बूटियाँ हैं, आज आपको स्क्रीन पर बताऊंगा कितने कितने ग्राम है, सब चीज़ बताऊंगा। मर्दाना ताकत को बढ़ाने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त रिज़ल्ट है इसका, खास करके जो जिन लोगों को इंतजार नहीं आता है उनके लिए बनाया है, खास कर उसका जिनका नफ्स टाइट नहीं होता है। सबसे ज़्यादा मैसेज थे कि हम साहब जो है नफ्स ढीला रहता है, ये ढीलेपन का कोई इलाज बता दीजिए, कुछ नुस्खा ऐसा बता दीजिए जो हम घर पर बना ले। थोड़ा सा हार्ड पड़ेगा, आपको पंसार की दुकान पर जाना है, हिम्मत नहीं हारनी है, हर चीज़ लेकर के आनी है, ओरिजिनल लेकर के आनी है, घर पर बनाना है। थोड़ा सा महंगा पड़ेगा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा महंगा पड़ेगा, आपको इसे बनाना है, क्योंकि कम मकदार में बनाएंगे तो मंदा बनेगा और आप इसे अपने हिसाब से बनाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा तो ये महंगा भी पड़ेगा, तो आप खुद ही इसका हिसाब लगा सकते हैं। दोस्तों, नुस्खे में सबसे पहली चीज़ है सफ़ेद मूसली 10 ग्राम, अश्वगंधा 10 ग्राम, सालब पंजा 10 ग्राम, सालब मिश्री 10 ग्राम, मस्तगी रोमी 10 ग्राम, जायफल 10 ग्राम, जवतरी 10 ग्राम, लौंग 10 ग्राम, सौंठ 10 ग्राम, पीपल 10 ग्राम, भांग के बीज 10 ग्राम, अखरोट 10 ग्राम, चिलगोज़ा 10 ग्राम, जुंद बदस्तर 5 ग्राम, अकरकरा 10 ग्राम ओरिजिनल वाला, अजवाइन खुरासानी 10 ग्राम, बेहमन सुर्ख 10 ग्राम, बेहमन सफ़ेद 10 ग्राम। उसके बाद में आपको इसमें भस्में डालनी है, कुछ भस्में हैं, कुछ सुमुलफार संख्या जिसे बोलते हैं वो आपको इसमें डालनी है, कुछ तक चांदी यानी चांदी की भस्म आपको इसमें डालनी है 3-3 ग्राम, गोखरू 10 ग्राम, तुखमे प्याज 10 ग्राम। ये आपकी सारी जड़ी बूटियाँ हो गई, तकरीबन 21 से 22 तरह की जड़ी बूटियाँ आपकी ये हो गई, ठीक है। आपको इन सब चीज़ों को सफ़ूफ़ को इनके सब चीज़ों को सफ़ूफ़ बनाना है, आपको भस्में अलहदा रखनी है, जब सफ़ूफ़ बन जाएगा फिर इसमें भस्में मिला लें, अच्छे से मिक्स कर लें। ध्यान रखें कंच के ही बर्तन में रखना इसे, ठीक है, स्टील के या किसी प्लास्टिक के डब्बे में मत रखिएगा, क्योंकि ये ओरिजिनल नुस्खा है। कंच के डब्बे में रख लो, 3 ग्राम सुबह गर्म दूध से, 3 ग्राम शाम को, सिर्फ दूसरे दिन से इसका रिज़ल्ट है। बहुत ही ख़तरनाक, बहुत ही पावरफुल ये सफ़ूफ़ है। दोस्तों, ज़रूर बनाएं, इसका फ़ायदा हो कमेंट में बताएं। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। खुदा हाफिज़। जय हिंद, जय भारत।